हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो डेज हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेज की बात करने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं सभी 12 महीने के आपको डेज करवाऊंगा, सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों, इससे पहले तक करवा दूंगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं तो इंटरनेशनल डेज की। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ आपको, ये क्लास एंड तक जरूर देखना है आपको, ठीक है। और इस ये क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। और इस क्लास को सभी ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर कर दें। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डेज की बारे में। तो किसके बारे में बात कर लेते हैं, डेज के बारे में। तो 2024 में फरवरी डेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी भी दोस्तों, तो फरवरी के अंदर 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा रक्षक दिवस मनाया जाता है, तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट डेज कौन सा है, 2 फरवरी। कौन सी फरवरी, 2 फरवरी। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस की अगर बात करें, आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों, रामसर साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामसर साइट कहा जाता है। रामसर साइट की अगर बात करें तो इसके लिए सन 1972 के अंदर क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी के दिन। कब हुआ था, 1971 के अंदर, ठीक है। अब 1971 में ये रामसर पड़ता कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है आपसे, तो ये दोस्तों याद रखना ईरान के अंदर है। कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। अब देखो रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट दिवस सबसे पहले कब बनाया गया था, तो याद रखना रामसर साइट सबसे पहले जो बनाया गया था वो सन 1997 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1997 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो याद रखना दोस्तों 1997 के अंदर बनाया गया था, 1997 के अंदर बनाया गया, ठीक है। अब 1997 के अंदर क्या कर लिया गया था, इसे बनाया गया था पहली बार, ठीक है। अगर बात करें ना हम वर्तमान के अंदर इसकी थीम क्या है, किसकी, आर्द्र भूमि की थीम क्या है, तो आर्द्र भूमि व मानव है। क्या है, आर्द्र भूमि व मानव, आर्द्र भूमि और वह क्या है, मानव। अगर पूछे ना 2024 की रामसर साइट या वेटलैंड की थीम क्या रही है, तो आर्द्र भूमि व मानव है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं भारत के अंदर रामसर साइट कितने अभी तक 2024 तक, तो 85 रामसर साइट है दोस्तों। कितने हैं, 85 रामसर साइट हैं, आपको ये याद जरूर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट की क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर बात करें हम तो देखो नेक्स्ट की हम कर लेते हैं थोड़ी सी की बात कैंसर दिवस के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा, कैंसर दिवस के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी की चर्चा कर लेते हैं। देखो कैंसर दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, तो 4 फरवरी 2009 को मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया बेटा जी, पेरिस के अंदर मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था, पेरिस के अंदर। तो याद रखना पहली बार कैंसर दिवस कब मनाया गया, 2009, 4 फरवरी 2009 के अंदर। कहाँ पर मनाया गया, पेरिस के अंदर बनाया गया। लेकिन इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम को याद रखना है, देखभाल अंतर को कम करना। देखभाल अंतर को कम करना इसकी क्या है दोस्तों, थीम है। देखभाल के अंतर को क्या करना है, कम करना। किसकी थीम है,
तो इसकी थीम है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 से 13 फरवरी के मध्य कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? घोड़ा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? घोड़ा महोत्सव। तो याद रखना 5 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। अगर बात कर लें 6 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 6 फरवरी को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 2003 के अंदर मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2003 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें तो याद रखना अगर पूछे आपसे कि 6 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य सप्ताह को क्या घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक किसे घोषित किया गया है? तो 6 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है बेटा। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो 10 फरवरी को और कौन सा मनाया जाता है? तो विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस। विश्व दाल दिवस को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विश्व जो कौन सा दिवस बेटा? तो विश्व दाल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 2016 के अंदर मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2016 के अंदर मनाया गया था पहली बार, ठीक है। कब मनाया गया था पहली बार? 2016 के अंदर। इसके बाद में संपूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया था? तो 2019 के अंदर लागू कर दिया गया था। कब किया गया था? 2019 के अंदर क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। और इसकी थीम भी याद रखना दोस्तों, दालें मिशिगन मिट्टी और लोग, दालें मिशिगन मिट्टी और लोग, ये भी आपको क्या करना है? याद करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बीमार दिवस। विश्व बीमार दिवस की बात करें तो विश्व बीमार दिवस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो विश्व बीमार दिवस की जो स्थापना की गई थी वो 13 मई 1992 के अंदर, 13 मई 1992 के अंदर की गई थी। और इसका योगदान किसने दिया था? तो पोप जॉन पॉल द्वितीय, पोप जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा योगदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? डार्विन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? डार्विन दिवस मनाया जाता है। डार्विन दिवस की अगर बात करें तो डार्विन था कौन? तो डार्विन एक विज्ञान वेता था दोस्तों, ठीक है। कौन सा वेता था? विज्ञान वेता। और विज्ञान के संदर्भ में इनको याद करने के लिए इस दिन क्या मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1809 में, 12 फरवरी 1809 के अंदर पहली बार मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 12 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब्राहम लिंकन का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब्राहम लिंकन थे कौन बेटा? तो याद रखना 16वें राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे किसके? यूएसए के। किसके? यूएसए के। सो यूएसए के 16वें राष्ट्रपति कौन से हैं? तो याद रखना है बेटा कौन सा है? अब्राहम लिंकन। कौन सा लिंकन? अब्राहम लिंकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 2012 के अंदर मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2012 के अंदर मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 फरवरी 2012 को रेडियो दिवस घोषित किया गया था। कौन सा दिवस किया गया था? विश्व रेडियो दिवस। किसके द्वारा? यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किन किन के द्वारा? तो यूनेस्को व संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रेडियो दिवस घोषित कब किया गया था? तो 2012 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 2012 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? सरोजनी नायडू दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 14 फरवरी को, लेकिन इसी दिन भारत का ब्लैक डे मनाया जाता है। ब्लैक डे ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा डे? ब्लैक, क्योंकि इसी के दिन भारत के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें 43 से अधिक सैनिकों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? 14 फरवरी को। 18 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य ताज महोत्सव का क्या होता है? आयोजन होता है। ताज महोत्सव का आयोजन कब होता है? 18 से 27 फरवरी के मध्य। 20 फरवरी को कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस और सामाजिक विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी को। नेक्स्ट बात करें तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाई जाती है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की अगर क्या करें, बात करें अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के बारे में, तो इन अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के बारे में बात करें तो इन्हें यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। कब? 17 नवंबर 1999 के अंदर इसे घोषित कर दिया गया था। जबकि पहली बार कब बनाया गया था? तो 2000 के अंदर बनाया गया था। कब मनाया गया था? 2000 के अंदर बनाया गया था। लेकिन बात करें 21 फरवरी का, तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को कौन सा त्यौहार मनाया, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।